मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अपनी फैमिली के साथ जहाँ भी होंगे सुरक्षित एंड हेल्दी होंगे। और आज है बुधवार और मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ साबूदाना की खीर, और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ और जल्दी बन जाती है। आप इसकी खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी एंड हेल्दी होती है, तो ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी टेस्टी बनती है। और मैं इसको एक कटोरी लूँगी हम तीन लोगों के लिए। मैंने यहाँ पे एक कटोरी साबूदाना लिया है, इसको मैं धो के ऐसे ही छोड़ दूँगी, पानी के अंदर नहीं, धो के इसका पानी निकाल के इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, तो ये फूल जाएगी। फूलने के बाद ये है बहुत अच्छे से बन जाती है, नहीं तो दूध में चिपकती है और पकती नहीं है, सारा दूध जल जाता है। तो यहाँ मैंने 3 गिलास दूध लिया है और दूध उबल गया है, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी साबूदाना। देख सकते हैं ये फूल गई है बहुत ही अच्छे से। और इसके अंदर फिर मैं स्वाद के हिसाब से 4-5 चम्मच चीनी ऐड करूँगी और 1-2 इलायची को कूट के डाल दूँगी, और फिर इसके बाद बन जाएगी। ज़रूर बनाइएगा। बनने के बाद मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ठंडा होने पे काफ़ी अच्छा लगता है और गाढ़ी भी हो जाती है और काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। जब ये मुंह में दाने जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है आज हमारा साबूदाने का नाश्ता, और इसमें आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं नाश्ता। ऑलमोस्ट मेरा घर का जो भी काम है जल्दी फिनिश हो जाता है, क्योंकि हमारा टाइम टेबल ही चेंज हो चुका है। तो पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता हो जाता है, और फिर दोपहर में लंच बनाती हूँ। देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहा है देखने में, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी बना था। कुछ नहीं डाल रहे हैं आप, तो सिर्फ इलायची और चीनी डालेंगे ना तो उससे भी काफ़ी टेस्टी बन जाता है। तो ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्दी भी होती है। नाश्ता करने के बाद मैं बनाऊंगी आज दोपहर के खाने में छोले चावल। और काफ़ी छोले रखे हुए थे, बहुत दिन हो गए थे मैंने छोले चावल बनाए नहीं थे, तो मैंने रात भर भिगो दिए थे छोलों को। और उसके बाद इसमें 2 लौंग, काली मिर्च 2 और तेज़पत्ता और 1 चम्मच नमक और 4-5 कटोरी पानी डाल के इसको मैं 3-4 सीटी लगा के उबाल लूँगी। छोले उबल गए हैं, मैंने साइड में रख दिया है, गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। 2-4 चम्मच इसे मैंने सरसों का ऑयल डाला है और सूखे मसाले लिए हैं, और इसमें 2 टमाटर, 2 हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया है, 2 प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। और सूखे मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर छोले मसाला लिया है। और ऑयल गरम होने के बाद मैंने जीरे का तड़का लगा दिया है, उसके बाद मैंने देन इसके अंदर प्याज का पेस्ट डालकर इसको 1 मिनट तक हम ढक के पकाएंगे। देन उसके बाद हम इसके पकने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डालकर उसको भी 1 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद जब तक पकाएंगे जब तक हमारे मसालों में से ऑयल अलग नहीं हो जाता है। मसाले काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, तेल अलग होने लगा है। उसके बाद हम इसके अंदर अपने छोले जो भी हैं उनको ऐड कर देंगे। थोड़े से छोले मैंने बचा लिए हैं, उसको मैं क्रश करके डालूंगी, जिससे काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन जाती है। और उसके बाद हम इसको मीडियम आंच पे 5-10 मिनट अच्छे से पका लेंगे। मैंने एक साइड रख दिया है, छोले हमारे पक रहे हैं, और दूसरी साइड में चावल बनाऊंगी। तो चावल के लिए मैंने
छोटी सी भगोनी ली है, उसमें मैं 2 कटोरी पानी ऐड करूँगी। इसी कटोरी से मैं 1 कटोरी चावल लूँगी, और हम 3 लोगों के लिए काफ़ी है ये। मैं हमेशा इसी से मेजरमेंट करके बनाती हूँ और हमारे चावल काफ़ी खिले खिले बन जाते हैं। और उसके बाद छोले भी पक गए हैं ऑलमोस्ट, उसके अंदर मैं 1 चम्मच आंवला पाउडर डालूंगी, जिससे हमारे छोले मार्केट जैसे काले हो जाते हैं। कुछ लोग इसमें चाय पत्ते भी ऐड करते हैं, पर मुझे उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। आंवले का थोड़ा खट्टापन आ जाता है और काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, और बिल्कुल मार्केट जैसे छोले बन के तैयार होते हैं। और चावल भी देख सकते हैं कितने खिले खिले बन के तैयार हो गए हैं। तो लीजिए, हमारा दोपहर का खाना तैयार हो गया है। खूब सारा सैलेड और चावल और छोले, और इसके साथ हमारे चटपटे से हैं आंवले का अचार, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो ये है हमारा दोपहर का सिंपल सा हेल्दी लंच। तो दोपहर का हमारा लंच भी हो गया है, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, और बच्चे और हस्बैंड आपस में खेल रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं, जब तक मेरा काम नहीं ख़त्म हो जाता, मुझे आराम नहीं अच्छा लगता है। तो बस 5-10 मिनट रेस्ट के बाद मैं आ गई किचन में, और मैंने अपनी पूरी किचन को क्लीन कर लिया है। तो बर्तन को भी वॉश कर लिया मैंने। मैं हमेशा दोपहर के भी कभी कभार ही रह जाते हैं, नहीं तो हमेशा मैं किचन को क्लीन करके ही अच्छा लगता है, दोपहर में भी और रात को भी। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन को क्लीन कर लिया है। रात के खाने में मैंने बनाई हैं पूड़ियाँ, और वैसे तो मैं रोटी बनाने वाली थी, पर बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी, मेरा पूड़ी खाने का मन कर रहा है छोले के साथ, तो फिर मुझे पूड़ी बनानी पड़ी। और वैसे भी मेरे घर में ओली बहुत कम बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं है पसंद, बिल्कुल सिंपल ही खाते हैं हम खाना। पर कभी कभी जब भी मेरे घर में ओली बनता है, तो मेरी बेटी की फरमाइश पर बनता है। तो हम रात के खाने में खाने वाले हैं छोले पूड़ी। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग, प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आप सभी को एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।